दे 50 रुपया लीटर पेट्रोल भगे बाबा रामदेव कह रहे। अरे कबूनी बेच सका जनसंख्या, बाबा रामदेव के बाप नहीं बेच सका यार, तुम तो बहुत ही बात कर रहे। वो जो सरकार से योजना आती है वो गांव के गरीब आदमी तक नहीं पहुँचा। ठीक है जी, बिचौलिया लोग खा ले, जो बिचौलिया जब तक नहीं उठे जब तक कोनो काम नहीं हो रहा। फसल की ऐसी है कि फसल पैदावार कर रहे, गांव में चल रहे, सब कुछ है, नहर है, पानी है, लेकिन दाम नहीं मिल रहे। अब क्या करे किसान, ना तो लगत में तुम डीजल में लगे खा भी, ना पेट्रोल में, और ना तुमने ना सस्तो कर दो। किसान बाबा रामदेव व्यापारिया गाँव में दारू फिकर, दारू तो दम से चल रही है, जुगा चल रहा है, इतने हन के क्या जुगा और दारू खूब है। जुगा दारू तो गांव में बहुत है, गांव की जुगा दारू बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी चुरा तला में हूँ, गांव चौपाल के माध्यम से लोगों से मिल रहा हूँ। उनका 4 साल में कितना विकास हो गया है, कैसी जिंदगी गांव में कट रही है, गांव शहर बने कि नहीं बने, इन्हीं से चर्चा करते हैं चुरा तला के लोग। गलत राम जी बताएं गांव की समस्या। मैं तो सब ठीक है, जैसे चल रही सो का है, कछु तो है अच्छो, खूब सब अच्छो है, रोड मोड अच्छे बने गाँव में, खूब बन गए और सब होगा। डीजल पेट्रोल सस्तो भाव के महंगा होगा, भारी सस्ता होगा, 3 रुपया लीटर होगा। अच्छा, और तुम्हारे गेहूँ के दाम, गेहूँ के दाम हो गए हैं खूब है? सरकार अच्छा काम कर रही, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही सरकार। राम राज आ गो खूब करना, सस्तो गल्लो कर दो, सस्तो पेट्रोल कर दो, सस्तो करना डीजल कर दो। अब किसान को लुआ जावे सुपने उठी राखबे। भैया का नाम लक्ष्मण, बताओ खेती बाड़ी कैसी चल रही। अरे खेती बाड़ी में क्या, खेती बाड़ी तो ऐसे ही है कि अब नुकसान ही है खेती में, और लगत ज्यादा है, और उसकी किसान मंडी ले जाए तो उसकी कीमत कम मिल रही किसान के लिए। अच्छा, तो मतलब नहर मेहरा है? अरे नहर तो है, पानी भी तो बराबर। चलो बढ़िया, खेती बाड़ी में और दिक्कत नहीं, महंगाई होगी। हाँ, महंगाई के हिसाब से हम डीजल 80 रुपया लीटर, 86 रुपया लीटर होगा। अब सरकार कह रही आय डबल हो गई। अरे तुम्हारी आय डबल हो गई भैया, बेई जो पुरानी है बेई में तो और कम हो रही, डबल कहाँ से हो जाए। सम्मान निधि आ रही? नहीं, 2000 रुपया मोदी जी भाई, अपने पास कुछ नहीं आ रहा, कछु नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। अच्छा, कौन अच्छी स्कीम सरकार की जिसे तुम्हें लाभ मिले हुए? कुछ नहीं मिले हमें। अरे स्कीम तो अच्छी है सरकार ने, अभी तक मिले ही नहीं रहा, मिले ही नहीं रहा, तो कहा स्कीम अच्छी है। तो वो तो हुई है तुम्हारा स्वास्थ्य बीमा बीमा को कछु नहीं, वो भी नहीं है, कछु ही नहीं मिले सरकार जगह। तो 4 साल हो गए सरकार को, कछु क्यों सरकार के बारे में? 1 साल मिलते हैं, 1 महीने फिर भूल गए हैं, फिर मिले ही नहीं है, मिले नहीं। भैया का नाम? हमारा हरिशंकर मिश्रा। मिश्रा जी बताएं। जी हाँ बोलिए, आप गांव की बताओ क्या है आपको कुआ तला गाँव। देखो जो सरकार से योजना आती है वो गांव के गरीब आदमन तक नहीं पहुंचा। ठीक है जी, बिचौलिया लोग होते ही खा ले, जो बिचौलिया जब तक नहीं उठ जाए जब तक कोनो काम नहीं हो रहा। कितने को की योजनाएं पहुंचा उधर में सब कुछ पहुंचाओ, जितने खाते में आ रहे हो जी के नाव जमीन है तो वह सम्मान निधि मिल रही उनके लाने। ठीक है, अब बाकी की फसल की ऐसी है कि फसल पैदावार कर रहे, घाम में चुर रहे, सब कुछ है, नहर है, पानी है, लेकिन दाम नहीं मिल रहे, दाम नहीं मिल रहा। अब दाम नहीं मिल रहा है तो बेकार, अब इतने तो महंगाई तो है केवल नाच पे सब कमर तोड़ गई। अब क्या करे किसान, ना तो लगत में तुम डीजल में लगे खा भी, ना पेट्रोल में, और ना तुमने नाच सस्तो कर दो। किसान अगर अब जो नाच कितने जा रहा हो सस्तो हो गए, को खरीद रहा हो कितने कर रहे, तुमने कह दी 1975 की चल रही, 1975 की जब तुमने अगर कर दी तो हर व्यक्ति का ही 1975 में लग जाए तो ठीक है, लेकिन उतने भी बिचौलिया आ गए, तो उतने बिचौलिया आ गए, उतने कमीशन खोरी हो रही। किसान एक तो विरोध कर रहा हो सरकार से, कह रहा है जो गलत हो सरकार कर रही है, किसान आए नहीं जे तो वे पाकिस्तानी है, क्या है, पाकिस्तानी है। सुनो सुनो, उसमें भी कुछ ऐसे बिचौलिया पड़ गए किसान के जो उनमें संग आके और ऐसे वोटर के लाने लुभावे को काम कर रहे, सुबह किसान तो बने नंजा ऐसे में वे नेता बन के पनो काम कर रहे, सो उके लाने बैठ भी अब तुम बन रहे किसान, जाके लाल किला पे झंडा चढ़ाए कोनो बताओ तुम, नहीं चढ़ा सकते किसान में इतनी औकात नहीं है कि वो लाल किला पे झंडा चढ़ा दे। सरकारी फेलियर नहीं होगा, कैसे चढ़ाओ लाल किला पे किसान? अरे किसान पुलिस के इतने 36 पुलिस लाने अमित शाह ने, पुलिस ने इतना प्रबंध कर दो तो किसान पे डंडा नहीं भजाओ, अगर भी डंडा भजा दी तो मैं कहाँ चढ़ पाऊंगी, मुझे चलो चलन दो। तो मतलब कोनो भी देश को अपमान कर जावे और देश को अपमान कर दो, बैठे रहे पुलिस वाले। अब किसान की तो घोषणा हो रही है किसान, यहाँ अब किसान अभी
डंडा बजाओ जैसो किसान को मारे पीटे खूब करे आंदोलन ऐसा नहीं हो तो जैसो अब हो रहा आंदोलन वो हो तो जो दिखातो कहो जो आंदोलन जो किसान आंदोलन अब ऐसा पहले भी नहीं होते कौन आंदोलन होते लोग कहते जो पाकिस्तानी खालिस्तानी उसमें नहीं आते जब रात के भगे थे जब टाइम पे कहीं नहीं कही की इन लोगों ने बाबा रामदेव कांग्रेस को हाथ यहा दो मैं भगवे को काम। अच्छा हाँ। तो बाबा रामदेव दिखावा कर भी भगे थे रात के कौन कौन लोग आएंगे इनके कपड़ा पहन के और दिखावा तो आई जब वो सरकार से बचते फिर वो लोग आई के पहन नहीं आओ लोगन के पहन आप कितने चले गए बाबा रामदेव सरकार अब बाबा रामदेव थे 50 रुपया लीटर पेट्रोल भगे बाबा रामदेव कह रहे अरे कमौनी बेच सका जनसंख्या बाबा रामदेव ने कहा गई बाबा रामदेव के बाप नहीं बेच सका यार तुम तो बात कर रहे 50 रुपया लीटर कैसे बेचे बता दूं जनसंख्या बढ़ रही आबादी बढ़ रही झूठ बोल रहे हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे थे ये तो सब 16 लाख की बात अरे ये सब कहवे सुनवे की बात है मतलब सरकार मतलब जा कहते कि बाबा रामदेव ने जनता से झूठ बोले कौन हाँ बिल्कुल झूठ बोले काया मिलो 50 बाबा मानो के व्यापारी मानो बाबा रामदेव कौन हो बाबा रामदेव व्यापारी व्यापारी भैया का नाम बताओ का है हालचाल सब ठीक हो जाए गाँव में साफ सफाई नहीं है कछु है नहीं है हमारे यहाँ कोई साफ सफाई तो होता रहता है झाड़ू पकड़ के लगा सकता अरे कैसे लगा सकते जब सरकारी जब देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे मुख्यमंत्री झाड़ू लगा रहे तो तुम लोगों को लगा अरे हम लोग नहीं लगा सकते विधायक से क्या देते विधायक आ जाते थे विधायक ही आ नहीं रहे कोई नहीं आ रहे थे देख भी नहीं आ रहे बीजेपी के जिला अध्यक्ष आ जाते थे कोई नहीं आ रहे थे गांव में जिला वोट मांग वोट मांग भी यहाँ जब चुनाव जिला पंचायत सदस्य को है तुम्हारे अरे इतने को नहीं बने दो सुसपाल आ रहे थे देख भी अरे वे नहीं आ रहे अब आ रहे चुनाव सब पर्चा चिपका फिर रहे अब पर्चा अब मिले वोट कहीं अब नहीं मिले उन्हें अब कहूँ मिले अब तो और कौन दूसरे को आ गए राजेश यादव आ गए और भी यादव यादव नहीं बना सका थे अच्छा क्या तो जाती यादव काम देख लो परेशान हो गए और जाओ बताओ कहा है हालचाल हालचाल कहा है हमारी जो पेंशन के लाने 3 साल की वॉल लेन करा रहे चार पांच पांच भी वॉल लेने करा दें लेकिन कही आ जाएगी पेंशन ही नहीं आ रही पेंशन नहीं आ रही है 3 साल हो गए 3 साल हो गए वो काम करे काम बोल रहा हूँ सरकार करे हम तो सब अच्छा करे आए हो सब सब हाँ दो हमारे पेंशन आ रही है क्वार्टर आए हमारे क्वार्टर कौन सा कुछ क्वार्टर मकान 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 कमरा 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 और विवाह कमरा नहीं मोदी जी वहाँ 2000 आ रहे हो सम्मान निधि सम्मान निधि अब 2000 तो भाव सम्मान बढ़ गाओ तुम लाइट को बिल लाइट माइट को पता नहीं जाओ नहीं जाओ और दाऊ हाल चाल है अच्छे है बताओ का है हम तो अच्छे है अच्छे हो पेंशन मिल रही अरे चलो और कछु सरकारी कौन स्कीम मिली और हमें कछ भी जाना नहीं सब अच्छा चलो राम राज आ गया तो भाई चलो ठीक है अच्छा नेतन नेतन से मिले कौन नेता चीनत तुम्हें का नहीं चीना तुम चीना तो नहीं तुम्हें तुम चीना तुमने का दाल को दाल तो वोट लाए घूम ही रहे ना तुम चीना ना मैं चलो ठीक है और भाई साहब क्या हाल चाल बताओ गाँव की कछु नहीं हमारे 2000 रुपया नहीं आ रहे नहीं आते नेताजी से कहा क्यों 2000 रुपया नहीं आ रहा था कहा थी कि तुम्हें डाली नहीं आगे नेतन की नाकामी है कि तुम्हारी तुम करा नहीं पाए सो अब हमने तो खूब ले आए बड़ा नुकसान होगा तुम्हारा तो नुकसान 6000 आ रहे थे तो अभी तक तो बहुत आ जाते 24000 रुपया आ जाती नुकसान कर रहे होगा भाई कर रो का सब समय मिलती ये तो नुकसान होगा तुम्हें नहीं मिले उधारी चढ़ा दी तो भाई हमारा तो क्वार्टर ही नहीं आ रहे हाँ दाओ बताओ भग गए थे तुम तो क्या है हालचाल हालचाल का बताए गांव के कछु तो बताओ बहुत अच्छी जिंदगी कट रही राम राज आ गए हम कहा जाने गांव की जिंदगी चली तुम आए थे जितने तुम रथ हो देखी सड़कें कैसी हैं सड़क और रोड रोड वोड तो हमारे माँ है ही नहीं हमारे है नहीं है माटी में बैठे गाओ हाल चाल हाँ काकी बताओ कहा मिले गैस सिलेंडर आवास गैस सिलेंडर लड़का है सब कुछ परेशानी है हमें तो कोई आवास नहीं रोजगार का कर काम का कर यही खेती किसानी खेती किसानी भाई छोटी छोटी वही पीसी के दाम आप सस्ते हो गए अब क्या करें महंगाई बढ़ गई डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया कोई आओ कछु पूछा पाछी करवे तुम लोगों से मिल गया नहीं पूछा कछु नहीं हम तो कागज ले लो आए हमारे तो वापस कर दे ये कहूँ नहीं आवास आशा आंगनबाड़ी आती मिले तुम लोगों से हम आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी में तो हाउ आती आशा वाले आती हाउ आशा है मोड़ा मोड़ी के तो पढ़ा इतना ही स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई हो रही सही नहीं हो रही है कम कम चल रही मतलब एक दो दिन हफ्ता में दो दिन जा रहे मास्टर वाले तो बराबर आ रहे हैं और पोटा मोटा पोटा वोटा तो मिल रहा कैसी गाँव में दारू बिकत दारू तो दम से चल रही है जुगा जुगा चल रहा इतने हन के क्या बताएं जुगा और दारू खूब है जुगा दारू तो ई गांव में बहुत है अच्छा अच्छा गांव की जुगा दारू बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया पुलिस नहीं पुलिस नहीं आउट पुलिस आउट ही नहीं है पुलिस नहीं आउट और सब सब है दुनिया को जमीने हैं तो जमीने भी दावे चकबंदी नहीं आन दे रहे चकबंदी को तो उतने ताप रूप लगा दे सो चकबंदी आने ही नहीं दे रहे हम लोगों की बहुत जमीन जमीन लाइट वाइट तो आ रही तुम्हारे लाइट माइट तो चल रही बिल लाइट को बिल बिल मिल हाउ जी अब पानी 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 की क्या समस्या है पानी की हेड पंप है का कुआ है सब पाइपलाइन नहीं आई आज नहीं वो पाइपलाइन नहीं है और सुनो हम एक आवास नहीं बने बताओ 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 आवास जगह मगा कछु है दो हजार आ रहे हैं मोदी जी भाई नहीं आए हम आ गए तो आ गए दाऊ को नहीं लगे थे कागज से दाऊ की नहीं आए अच्छा इतने कछु वो है एनजीओ में एनजीओ काम करते समूह 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 को काम कर तो नहीं और समूह समूह है लाभ मिले उसे लाभ हम हटे और हैं बाकी की हम नहीं अच्छा अस्पताल में जाऊँ काम कराऊँ अच्छा दिक्कत विक्कत तो नहीं आती जी हाँ सब करवा हो जाए दिक्कत तो नहीं है भैया जे फुगा तला के लोग हते हमने हल्की सी चर्चा करी है लोगन के अपने अपने विचार हैं सरकारी स्कीमन को लाभ कैसे मिले हैं साफ सफाई की काज के लिए सब अपनी बात रखी आज भी लोग पेंशन के लायक जो है परेशान है पेंशन नहीं बन पा रही बूढ़न की और सम्मान निधि की जो बात करी जा रही सम्मान निधि 100% लोगन को नहीं मिल पा रही जो पात्र है अभी नाकामी है और इनको निपटावे की जरूरत है समय रहते अगर सत्ता में बैठे नेतन ने ये काम नहीं करा पाए तो इन्हें चुनाव में इको नुकसान जरूर देखने आओ जिला पंचायत चुनाव के जो पदाधिकारी जो इसमें चुनाव लड़ रहे आप पहले हते उनकी बड़ी फजीयत हो रही इन लोगों ने कछु कराव है ना और लोगों के बीच फिर सकल लेकर पहुंच गए और जनता कह रही का करो नेताजी राम राम उचित डिस्काउंट पर सभी दवाइयां उपलब्ध श्री राम राजा मेडिकल स्टोर सावरकर चौक निर्मल ट्रांसपोर्ट के सामने ललितपुर उत्तर प्रदेश